एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ग्रेटिट्यूड। तो आज संडे है तो मैं संडे को ज़्यादा सुबह पढ़ती नहीं हूँ, शाम को वक्त मैं पढ़ती हूँ। तो सुबह में मैंने आधा न्यूज़पेपर देखा था, अभी मैं शाम को उसको कंप्लीट कर रही हूँ। नॉर्मली मैं न्यूज़पेपर से खुद से ही नोट्स बनाती हूँ, और अभी मेरे को नवंबर में रिवीजन करना है स्पेक्ट्रम पॉलिटी का और क्लास 11th 12th का ज्योग्राफी का। सो अब न्यूज़पेपर तो ख़त्म हो गया, तो अभी मैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का रिवीजन करूँगी। 12th का ज्योग्राफी मेरा कम्प्लीट ही है, बिकॉज मेरा CBSE बोर्ड था तो क्लास 12 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो अभी मेरे को इतना ज़्यादा फोकस करने का इस पर ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैंने रिवीजन किया है तो वो हो जाता है मेरे से जल्द। ये सब हाईलाइटिंग मैंने क्लास 12th के ही टाइम किया था, तो अभी बस मेरे को हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ना पड़ता है। 2020 में ही मैंने इसे ये सब कर लिया था। बस जैसे फॉर एग्जाम्पल था फैक्टर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पर बस मैं मेन जो कीवर्ड्स है वो पढ़ती हूँ, जैसे लाइक वाटर, लैंड, एयर, सॉल। अंदर का तो मैं खुद से बना के भी हम लोग लिख सकते हैं। NCERT में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। या मैंने ऑनर्स लिया हिस्ट्री में, यहाँ पे थॉमस माल्थस के बारे में लिखा हुआ है जो एकदम पेज के एकदम लास्ट में है, चैप्टर के एंड पे। मेरे को लगा था कि ये काम का नहीं है, चलो 12th में पढ़ रही थी तो मेरे को लगा कि काम नहीं आएगा 2020 में। अभी मैं 22 में ऑनर्स है मेरा और सेमेस्टर 3 में, वहाँ पे मेरे को थॉमस माल्थस का डेमोग्राफिक थ्योरी पूरा डिटेल में मेरे को ट्रांसलेशन डिबेट पे पढ़ना पड़ रहा है। कोई भी चीज़ या नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, आगे कभी ना कभी काम आ जाता है। तो अभी मैं करूँगी स्पेक्ट्रम का 22nd चैप्टर। अभी तो मैं स्पेक्ट्रम का फर्स्ट रीडिंग ही दे रही हूँ, उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी। मेरा मीन्स ये चैप्टर 33rd क्या स्पेक्ट्रम में मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस छोड़ के उसके पहले का जितना भी है, आई थिंक 33rd चैप्टर तक उतना ही करूँगी। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस मेरा ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो वहाँ से मैं कवर कर लूँगी। अभी मेरा कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा था, क्लास टेस्ट, तो वही कंप्लीट हुआ। तो मेरा 4 ऑनर्स का पेपर है सेम 3 में, तो अभी जो जो मैंने क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं आया 1 मार्कर्स में, अभी मैं उसका आंसर बनाऊंगी। कॉलेज में मेरा मार्क्स अच्छा आ जाता है, बिकॉज मैं कॉलेज का वेबसाइट से सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के उसको प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसके वजह से मेरा एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन हो जाता है, 90% क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हो जाता है मेरा। आज के लिए बस इतना ही, मैं संडे ब्रेक रहता है मेरा तो मैं नहीं करती इतना। तो टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।